अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होगी। आज मैं बनाऊंगी अंडा मसाला। इसके लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं। इसे अच्छे से नमक डाल के बॉईल करके रखा है। ये दो मीडियम साइज के टमाटर है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये 10 काजू है। ये दो मीडियम साइज के प्याज है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी डालने से इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये थोड़ा सा कोथमीर है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट करके रखा है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टी स्पून जीरा पाउडर है, 1/2 टी स्पून होममेड गरम मसाला पाउडर है, 1 टी स्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको जितना पसंद हो। नमक यहाँ पर मैं चेक करके डालूंगी। 1 टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी मिर्ची नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम अंडों को अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। नाइफ से मैंने अंडों पे थोड़े थोड़े से कट लगा लिए हैं। अब एक एक करके मैं अंडों को डालूंगी। देखिए अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल, कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर, प्याज और काजू को थोड़ा फ्राई कर लूंगी सॉफ्ट होने तक। टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल लूंगी, इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी। फिर हम इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। जो हमने काजू, टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया है, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। अभी ये अच्छे से भून गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। इसमें ऐड करूंगी सूखे मसाले, अब इसे मैं फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। हमने काजू इसमें इसीलिए डाला कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा और हमारी ग्रेवी थी। आपको ग्रेवी थिक चाहिए या कैसी चाहिए, आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड करें। मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूंगी। ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अंडे। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ी हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अभी अंडा मसाला रेडी है। अब इसे मैं डिश आउट करूँ। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, अंडा मसाला रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे सर्व कीजिए रोटी, फुलका या पराठे के साथ, कैसे भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।